बहुत ज़्यादा स्वीट है। मतलब तुमने अगर दोनों ही ट्राई किया है तो तुम्हें पता होगा कि सूला काफ़ी इतनी फ्रिज है, कमाल का है, इतनी फ्रिज काम भी करता है, तभी तो कुछ है नहीं। So hey guys, we are back with a new vlog. Dude, कितना दिन बाद vlog बना रहा हूँ, कमाल का लग रहा है यार। जैसे कि तुम देख सकते हो, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, अभी थोड़ा काम के लिए बाहर आया हूँ, एक होटल में हूँ। होटल काफ़ी कमाल का है, बाहर गार्डन है, फिर बैल्कनी है। मैं रूम दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि यार मेरे पास एक मैसेज कंटिन्यूसली आ रहा है कि भाई मैं जब भी वाइन पे वीडियो बनाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि भाई आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, उसमें कमेंट करो, उसमें मुझे हमें बताओ कि सूला वाइन या जैक ऑफ क्रीक। अब मैंने दोनों ही ट्राई किया है, दोनों के ऊपर ही वीडियो बनाया है, जैसे कि तुम देख सकते हो, दोनों के ऊपर ट्राई किया है। लेकिन हाँ, जो वीडियो मैंने बनाया था सूला वाइन के ऊपर, वो रोज़ गोल्ड वाइन था, वो अलग वाइन था, रेड वाइन नहीं था, वो रोज़ गोल्ड था। तो मैंने रेड वाइन भी पिया है, तो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे एक बार मेरा ये टूर ख़त्म हो, मैं घर जाऊं, फिर बनाऊंगा। अभी आज ही आया हूं थोड़ा घर से बाहर, और भाई मिस कर रहा हूं अपना स्टूडियो, अपना सेटअप, अपना घर, सब मिस कर रहा हूं। लेकिन भाई काम करना भी ज़रूरी है, घूमना भी ज़रूरी है, तो चलो घूमते हैं। पहले तुम लोग को मैं रूम दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि मुझे कौन सा वाइन पसंद है और क्यों पसंद है, और इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आगे बना दूंगा। वैसे मैंने दोनों के ऊपर ही वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया, अगर देखना है तो तुम जाके देख सकते हो। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे कौन सा वाइन ज़्यादा पसंद है, सूला या जैक ऑफ क्रीक, और क्यों, उसका भी मैं रीज़न तुम लोग को बता दूंगा। तो पहले रूम देख लेते हैं, लेट्स गो। सो भाई, जैसे कि देख सकते हो, सोफ़ा दिया हुआ है, कमाल का है, कितना बड़ा है, सीलिंग भी बना हुआ है, और फ़ैन है, एसी है, कमाल का एसी है। अच्छा, मतलब 5 मिनट में ठंडा हो गया यार पूरा रूम, इतना बड़ा रूम। और ये मेरा लैपटॉप, यहाँ पे मैं एडिटिंग वेडिटिंग कर रहा हूँ, सोफ़ा वोफा, मतलब सेटअप है अच्छा खासा। और ये मत देखो अभी, ये अभी मत देखो, वो एक सीक्रेट वीडियो है, अभी आने वाला है कुछ दिन में। तो टीवी ऑब्वियसली, और यहाँ पे फ्रिज है यार, फ्रिज है, मिनी फ्रिज है, कमाल का है, मिनी फ्रिज काम भी करता है, तो अभी तो कुछ है नहीं, लेकिन कमाल का है, मिनी फ्रिज भी है, कमाल का है। और विंडो है, बैल्कनी है, फिलहाल बैल्कनी में ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ कपड़े सूख रहे। तो चलो और दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे ये है चेंजिंग एरिया, कितना कमाल का है, देख सकते हो, फेस टॉवल है, बहुत बड़ा एरिया है। फिर वार्डरोब है, दो वार्डरोब है, कमाल का वार्डरोब है। बाथरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, सुबह सुबह आके सब साफ़ कर देते हैं, और साफ नया नया सोप शैम्पू सब दे के चले जाते हैं। तो यार कमाल का है, कमाल का है। अगर तुम्हें जानना है कि ये कौन सा होटल है तो पूछो, फिर बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा, ये सीक्रेट है, क्योंकि मैं नहीं जानता बहुत लोग जाने में कहाँ पे हूँ। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि दुर्गापुर से बाहर हूँ, ऑब्वियसली अपने सिटी से दूर हूँ। लेकिन ठीक है यार, अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, और फिलहाल जो टॉपिक पे रिलेटेड मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, लेट्स गो। सो भाई, मेरा जो फेवरेट वाइन है वो है जैक ऑफ क्रीक, और उसका रीज़न है भाई कि वो उसमें जो परसेंटेज है, शुगर परसेंटेज है, वो कमाल का है। उसको मिक्स बहुत अच्छे से किया गया है और उसका टेस्ट कमाल का है। तो मतलब अगर तुम्हें ज़्यादा स्वीटनेस पसंद है फिर सूला ट्राई करो, लेकिन अगर तुम्हें उतना स्वीटनेस पसंद नहीं है तो जैक ऑफ क्रीक तुम्हारा वाइन है, ठीक है, दैट्स योर प्रेफरेबल ड्रिंक। मुझे सूला भी पसंद है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, जैक ऑफ क्रीक से बहुत ज़्यादा स्वीट है। लोग वैसे सूला ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सूला का जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा है जैक ऑफ क्रीक से। उसका एक रीज़न ये भी है कि उसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि जैक ऑफ क्रीक वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट अराउंड 1400 है, उसका बड़ा बोतल 1400 रुपीज़ का एक बड़ा बोतल आता है जैक ऑफ क्रीक का, और जहाँ पे सूला वाइन ओनली 750 रुपीज़ का आता है। सो भाई टोटली हाफ, सूला टोटली हाफ प्राइस, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सूला का प्राइस कम है तो लोग ज़्यादा सूला वाइन प्रेफर करते हैं। और जैक ऑफ क्रीक यार मुझे पसंद है, उसका रीज़न यही है कि मैं उतना पीता नहीं हूँ तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस से। मैं जब भी पीता हूँ, मैं बहुत लाइक क्या ओकेशन पर्पस में पीता हूँ, वैसे कि रोज़ पीता हूँ ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैं ओकेशनली पीता हूँ तो मुझे एक टाइम अच्छा खर्चा करने में मुझे अच्छा लगता है, और जैक ऑफ क्रीक काफ़ी अच्छा है भाई, उसका स्वीटनेस काफ़ी अच्छा है, उसका मिक्स काफ़ी अच्छा है, माउथ में
मतलब डायरेक्ट हिट नहीं लगता। कुछ वाइन ऐसे होते हैं कि बहुत डायरेक्ट हिट लगता है। जैसे तुमने एक सिप लिया ना, उस मुंह में एक बर्निंग सेंसेशन होगा, तो वो जैकब क्रीम में बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी अच्छे से मिक्स किया गया है, काफ़ी अच्छा उसका परसेंटेज, जो शुगर परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। सूला ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा स्वीट है। मतलब तुमने अगर दोनों ही ट्राई किया है तो तुम्हें पता होगा कि सूला काफ़ी स्वीट है, उसमें स्वीटनेस जो है काफ़ी ज़्यादा है और उसका एक बर्निंग सेंसेशन भी देता है माउथ में। जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम जब सूला ट्राई किया था तो भाई सेम अल्कोहल परसेंटेज दोनों में सेम है, ठीक है 13% या 14% अल्कोहल दोनों में सेम है, लेकिन यार क्वालिटी हैज़ अ प्राइस। जैक ऑफ क्रीक का क्वालिटी है, उसका प्राइस इसलिए ज़्यादा है। तो मैं तो जाऊँगा जैक ऑफ क्रीक के साथ। मुझे सूला भी पसंद है लेकिन यार नॉट कंपेयर टू जैक ऑफ क्रीक, ठीक है। तो यही मेरा ओपिनियन था। अगर तुम भी ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर जाओ ट्राई करो, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। मैं किसी का ओपिनियन को ख़राब या गलत नहीं बोल रहा हूँ, तुम सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो तुम्हें जो पसंद है वो तुम ट्राई करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिलहाल मैं अभी थोड़ा मेरा एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया वो मेरा सेटअप है और थोड़ा सा अभी एडिटिंग बाकी है तो वो कर लेते हैं। घूमने आए हैं लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ेगा, काम करना चाहिए और तुम लोग का प्यार है तो इसीलिए ये चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। कुछ दिन से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और काफ़ी अच्छा इनकम भी हो रहा है। तो भाई ऐसे सपोर्ट करते रहो और मैं भी तुम लोग को नया नया जगह, नया नया वाइन, नया नया विस्की दिखाते जाऊँगा, ठीक है। वैसे इस होटल में बार भी है, कमाल का बार है, मैंने देखा है अभी तो। अभी तो कुछ थोड़ा भीड़ है इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा खाली टाइम में, मुझे पसंद है थोड़ा एम्प्टी बार। तो मैं अपना दोस्त के साथ आया हूँ, वो भी गया है बाहर और अभी बाहर थोड़ा कोलगेट वोलगेट खरीदने गया है। उसको होटल का कोलगेट पसंद नहीं आया, मुझे नहीं पता क्यों। तो ठीक है जो भी है वो गया, मैं अभी चिल कर रहा हूँ। अगर भाई थोड़ा सा और ज़्यादा लाइट होता ना तो वीडियो शूट करने में और ज़्यादा मज़ा आता। थोड़ा ठीक है लाइट है लेकिन मैंने विंडो ओपन करके रखा है इसीलिए इतना ज़्यादा लाइट आ रहा है, नहीं तो भाई थोड़ा डार्क है, थोड़ा सा डार्क है। इतना बड़ा रूम ना तो और थोड़ा लाइट देना चाहिए था, और थोड़ा लाइट रहता तो मज़ा आता, वीडियो बना लेते सर मैं अभी जाता और एक कुछ ना कुछ तो वीडियो बना लेता। वैसे एक मैं वीडियो बनाऊंगा, एक ड्रिंक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, यहीं पे बनाऊंगा और देखते कब आता है। फिलहाल ये वीडियो को लाइक और शेयर करो और सपोर्ट करते रहो यार, और क्या। वैसे भाई ये लोग ने एस्ट्रे भी काफ़ी कमाल कर दिया है, मेरे घर में भी सेम एस्ट्रे है। और पापा स्मोकिंग करते हैं, मैं तो स्मोकिंग भी नहीं करता तो मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। सो भाई आज के लिए इतना ही था, ये मेरा ओपिनियन था। तो तुम्हें जो पसंद है वो तुम पियो, सूला अगर पसंद है तो सूला, जैक ऑफ क्रीक अगर पसंद है तो जैक ऑफ क्रीक, और मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा पसंद है। और फिलहाल अभी मैं जाऊँगा, अभी थोड़ा फ्रेश होऊंगा और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। काम ही करेंगे ऑब्वियसली, ये वीडियो भी एडिट करना है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टा जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो। वैसे इसका वुडन फ्लोर आए हाय हाय, कमाल का वुडन फ्लोर है, कमाल।